चलो आज सीधी बात नो बकवास सरफिरा के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, जो बाद में मैं झूठा दिलासा देने नहीं वाला किसी को भी, अब जो है वो यही है कि सरफिरा का जो एडवांस बुकिंग है वो इतना ज़्यादा डल है ना कि हाँ, वो समझ में आता है कि वो फिल्म एक तरीके से रीमेक है, तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है फिल्म पे, और पड़ा है भाई बहुत बुरा। अब देखते हैं कि भाई कलेक्शन एडवांस बुकिंग कितना हुआ है। मैं सच बोलूँ, अब आप जो लोग बोलते हैं ना भाई अक्षय के फैंस ने सपोर्ट करना चाहिए, एक बंदे ने बहुत सही लिखा था कल कमेंट्स में, और मुझे सच में अब डाउट आने लगा है कि वो बंदा सही है। मैं उसको अपोज भी नहीं कर पाया। उसने लिखा है भाई कि अक्षय कुमार के सच में फैंस भी है, और मैं एग्री करता हूँ कि क्या सच में है। 25 लाख का अगर आपके फिल्म का एडवांस बुकिंग हुआ है विदाउट ब्लॉक सीट्स, और विद ब्लॉक सीट्स 60 लाख के आसपास थोड़ा कम हुआ है, तो सच में सवाल यही है कि आपके फैंस भी है। मुझे तो नहीं लगता है कि है, और फैंस है तो क्या 25 लाख का एडवांस बुकिंग होगा? मैं नहीं बिलीव करता हूँ ये। तो भाई देखो भाई, मुझे एट प्रेजेंट तो सीधा बोल रहा हूँ 3 करोड़ के आसपास ओपनिंग मिलेगी लग रहा है भाई, 3 से 4। और देखो भाई, गुस्सा आप लोगों को आएगा, लेकिन फैंस नहीं है, ये इसलिए बोलना पड़ रहा है मजबूरी में क्योंकि मुंजा हो, चाहे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हो, चाहे क्रू मूवी हो, या इन छोटी छोटी मूवीज़ ने भी, अगर उससे भी ज़्यादा, अगर उससे भी कम अगर सरफिरा का डे वन आएगा तो फिर वो तो सवाल सही है ना उनका कि फैंस है भी या नहीं, क्योंकि फैंस होते तो कम से कम 10 करोड़ का तो ओपनिंग दे ही देते ना। मैं वो एडवांस बुकिंग नहीं बोल रहा, ओपनिंग बोल रहा हूँ। ये तो 2.5-3 करोड़ वाला ही दिख रहा है मुझे ओपनिंग। अब बाकी लोग आएंगे रीमेक है रीमेक, इसलिए नहीं हुआ है। मैं रीमेक नहीं है तो भी उतने अच्छे कहाँ हुए थे, चाहे बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, रक्षाबंधन हो, राम सेतु हो। बुरा लग रहा है, और राम सेतु से तो बहुत ही कम आ रहा है इसका ओपनिंग, इसका तो सेल्फी जैसा ओपनिंग लग रहा है। बताओ क्या होगा, आप ही बताओ।